स्वागत है आज मेरे YouTube चैनल पर। मैं अजित कुमार को और कुछ आज ऐसे लोगों से आपको मिलवाने वाला हूं जो कि डांस के नाम पर आतंक मचा रखे हैं। जैसे कि भाई आप लोगों को पता होगा कि गर्मियों और शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में लोग भाई साहब शेरवानी और सूट बूट डाल के मुँह उठा के शादी में चल पड़ते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है भाई साहब कि उनके कहाँ कहाँ से पसीना आने वाला है। ऐसे भाई साहब आपको पता होगा कि जब गांव में शादियां होती हैं तो शादी में करीब कम से कम 300 लोग आने वाले होते हैं, जबकि लड़की का बाप कम से कम 500 लोगों का खाना बनवाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है भुक्कड़ लोग हैं, शादी से पहले कम से कम 4-5 दिन से खाना नहीं खाएंगे, बाद में शादी में आकर कम से कम 4 लोगों का खाना अकेले ही ठोस जाएंगे। oh, no. बाद में जब कैमरामैन की नज़र उस भुक्कड़ इंसान पर पड़ती है ना, तो भुक्कड़ इंसान अपने आप को बचाने के लिए कैसे रिएक्ट करता है देखो। मैं खाना खा रहा हूँ, प्लीज भाई साहब, भाई साहब। अरे यार कमाल करो यार। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो मैं बात करूंगा कुछ ऐसे अंकल के बारे में जो कि म्यूजिक सुनते हैं उनके शरीर में खुजली होने लगती है। इसी तरह भाई साहब मैंने एक अंकल की वीडियो और देखी। अंकल वीडियो में रमकल बुढ़ापे में जवानी जैसा फील ले रहे थे, देखो। भुल गए जब तक ले शराबी नैन तेरे ऐना चुटुले, पहले तोड़ दी गल बस चिरा ही ना होने मेरे ओ बिना डट खोले कुड़ी। कुछ ऐसे ही भाई साहब जब लड़के की शादी होती है तो लड़का खुश होकर खूब दबा दबा कर खाना खाता है, उसे ये नहीं मालूम होता है कि वो खाना उसके निकलने वाला कहाँ। ओ भाई साहब मुझे मालूम था ये खाना यहीं से निकलने वाला, और कोई रास्ता नहीं है इसकी भाई साहब। नो 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 इन दूल्हे की तो भाई साहब एक ही कमजोरी है, म्यूजिक सुनते ही इनके शरीर में मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है, फिर तो ये अपनी बाप की बिना सुनते हैं। देखो तो लो भाई देखो नागिन डांस, पता नहीं क्या हो जाता है भाई साहब, नागिन का म्यूजिक सुनते ही लोग अपने आप को खुद नाग समझ बैठते हैं और झूम झूम के अपनी हालत पेंचर कर लेते हैं। ऐसे में उन्हें नागिन तो मिलने वाली, तो भाई साहब नागिन भी आ गई। तो भाई साहब ऐसा डांस तो आपने कभी नहीं देखा होगा, गलती से भगवान ने इनकी मशीन चेंज कर दी, वरना सारे मोहल्ले के लड़के इनके पीछे पड़े होते। देखो मुझे तो शर्म आ गई भाई साहब, आप लोग भी देखोगे आप लोगों को भी शर्म आएगी। देखो भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। तो भाई इसी के साथ मेरी वीडियो एंड हो गई। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी आ रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर मेरी कमियों को बता सकते हैं, ताकि मैं वो कमी देख के मैं अपनी वीडियो पर सुधार ला सकूँ, आगे चल के मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊँ। बस।